किस साइड स्वाति? चलो यार चलो चलते, ध्यान से ध्यान से स्वाति। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस, मेरा फोर्थ पार्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल चैप्टर ऑफ फ्रेंडशिप डे स्पेशल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके पुराने पार्ट्स जिसने नहीं देखे वो पुराने पार्ट्स पहले देख लीजिए, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस, मैं बस आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसी लड़की के साथ आ रहे हैं ना शॉपिंग करने, तो ये टाइम सोच के आना कि आपको ना 4-5 घंटे 10 घंटे लग सकते हैं इजीली। गाइस, मेरी जस्ट अभी यहाँ पे नज़र पड़ी है और स्वाति को मैं लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा मेरे को चाइल्डिश लग रही है ना, तो इसको मैं दिखा रहा था, यहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं, शायद इसको पसंद आ जाए। और मेरे को सीरियसली मेरे को एक्चुअली ये देखते ही ना गाइस सबसे पहले विहान की याद आ रही है, और सोच रहा हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है ना तो उसके लिए यहाँ से लेके जाऊँगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास टॉयज़ का भी, और बहुत सारे जैसे दोनों सेक्शन है इनके, जैसे गर्ल्स का सेक्शन अलग है, अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं जैसे आप देख सकते हैं। अगर विहान यहाँ आया हुआ होता तो डेफ़िनेटली उसको बहुत अच्छा लगने वाला था। मैं आपको क्लोज लुक देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए यहाँ ये पूरा कलेक्शन है इनका टॉयज़ का। हाँ, किड सेक्शन है पूरा, आपको अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे भी टॉयज़ लगे हुए हैं, ऊपर भी टॉयज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे विहान आता तो सीरियसली गाइस बहुत खुश होता, बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कलेक्शन है। दिखाता हूँ आपको करीब से, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं, और ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते थे, मिक्की माउस बोलते थे, मिक्की माउस भी है इनके पास, और भी बहुत सारे टॉयज़ हैं। स्वाति, आया कुछ पसंद? मुझे तो सब कुछ पसंद आ रहा है। और इस बंदी को ना अभी 1-2 घंटे लगे थे अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे आके इसको सब कुछ पसंद आ गया। ये देखिए, ये बच्चों की गाड़ी है, अगर शायद बिहान थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद इसको ड्राइव कर पाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्शन का वो पॉइंट मिलता है। अभी जब वो बड़ा हो जाएगा 2-3 साल का, तो डेफ़िनेटली उसके लिए मैं लेके जाऊँगा यहाँ से। और भी बहुत सारे टॉयज़ हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, जैसे ये कलेक्शन है, ये थोड़े माइंड रिलेटेड वो हैं, पज़ल सॉल्व करने, जिससे क्या होता है मेंटली बच्चा थोड़ा सा वो ग्रोथ करता है। उमरी है यहाँ पे, इसको अभी तक कोई कपड़े वपड़े तो पसंद आए नहीं, बट अब यहाँ पे आई है, देख रही है बहुत सारी चीज़ें हैं अट्रैक्टिव सी, और देखते हैं कुछ पसंद आता है तो। और मैं कोशिश करूँगा कि विहान के लिए यहाँ से कुछ लेके जाऊँ। यहाँ पे वैसे भी टॉयज़ हैं बहुत सारे, और वैसे गेम्स भी हैं अगर खेलना हो। आप इस बच्चे को देख सकते हो, और यहाँ गाइस आप देख लीजिए, विहान की सीरियसली बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ होता ना, उसको जमीन पे यहाँ पे फर्श पे बिठा देता और बहुत ज्यादा खेलता, उसके लिए बहुत सारे, इसको पक्का मैं गारंटी लेता हूँ थोड़े टाइम में ना, चाहे 2-3 महीने, जब भी थोड़ा ये कोविड ठीक हो जाएगा तो विहान को यहाँ लेके आऊंगा। और विहान अभी तो बेचारा ये वीडियो भी नहीं देख सकता, अगर देख सकता तो उसको खुद जिद करता, जैसे मुझे गाड़ी चलाने के लिए बहुत फोर्स कर रहा होता है कि गाड़ी में घुमा के लेके आओ, मेरी कीज़ उठा लेता है, मेरा रिमोट उठा लेता है गाड़ी का। और स्वाति यहाँ भी थोड़ा चूजी हो रही है, बहुत देर से ढूंढ रही है कुछ चीज़ें, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। देखो गाइस, ये वाले टॉयज़ मेरे पास भी थे बचपन में, गाड़ी थी जो मैं जिससे खेलता था, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स आ चुके हैं। और यहाँ देख सकते होंगे आप, बच्चे खेल रहे हैं टॉयज़ से, और वाओ देखना गाइस, इनका ये कलेक्शन है जो गाड़ियों का है ये, बट इसकी एज लिमिट होगी शायद 5 साल से बड़ा बच्चा ही चला सकता होगा इसको, लेकिन कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए गाइस। विहान के लिए ऐसे डेफिनेटली उसके 4th-5th बर्थडे पे ना डेफिनेटली लेके जाऊंगा, बहुत खुश होने वाला है बहुत ज़्यादा। पता नहीं यूज़ करेगा या नहीं, बट हाँ तोड़ दे बेशक, लेकिन हाँ उसके लिए लेके ज़रूर जाऊँगा। गाइज़, अगर आपके बच्चे हैं ना घर में छोटे छोटे, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, उनके काम की चीज़ लेके आया हूँ। अगर आपको ट्राई करना है ना, ऑनलाइन का पता नहीं होता, चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलते हैं, बट ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको आना है तो मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कहाँ है, RD मॉल में है, और बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो विहान के बर्थडे पर मैं शॉपिंग यहीं से करता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए हैं, और ये कलर वगैरह हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये गाइस गर्ल्स का सेक्शन है शायद, लड़कियों के लिए जैसे डॉल्स वगैरह आती हैं, और कई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्लचर्स वगैरह हैं जो लड़कियां डालती हैं,
छोटी मतलब गुड़िया डालती हैं, वो वाला कलेक्शन भी है पूरा। और इसके अलावा इनके पास माइंड रिलेटेड गेम्स भी हैं, जैसे पजल्स होते हैं जिससे मेंटल ग्रोथ होती है बच्चे की, वो सब प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इजीली और पूरा अच्छे से मिलेगा गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरा तो गाइस सच में इस पे दिल आ चुका है, इस पे। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चों को ये वीडियो तभी दिखाना अगर वो आपको परेशान ना करे, वरना आपको शायद ये आपका वीकेंड ख़राब हो सकता है। आपको खींच के लेके जाएंगे तो इसकी शॉप पे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक छोटा क्यूट सा बेबी है वो देख भी रहा है। और ये गेम्स हैं जो आप देख सकते हैं, पूरा मंडी लगा हुआ है सीरियसली गाइस खिलौनों का। तो विहान आता ना सही में यहाँ तो आफत मचा देनी थी उसने, पर पक्का जिस दिन मैं बहुत अर्निंग करने लगूँ ना उसको उसका जो भी चीज़ पे वो हाथ रखेगा उसको डेफिनेटली दिलाऊंगा, उसको किसी चीज़ के लिए मायूस नहीं होने दूंगा। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे ये है एक करके आउटलेट है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका, जो चाहे जिसको शॉपिंग करनी हो, शॉपिंग रिलेटेड बेवरेजेज और खाने वाने का भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक है ज्वेलरी की है जहाँ पर शायद आपको मिल सके। देख लीजिए ये एक और आउटलेट है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेडीज़ का भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है। और ये सूट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्वाति, स्वाति से एडवाइस दे दें, तुम्हें इन तीनों में से कौन सा सूट अच्छा लगा? सबसे कौन सा? वाइट वाला, मेरे को भी वाइट वाला। गाइस टेस्ट मिल रहा है मेरा और स्वाति का, मेरे को भी यही वाला अच्छा लगा था। स्वाति के साथ चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके जा रही है, बहुत टाइम हो चुका है, देखते हैं। अब आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि सेक्टर 14 की मार्केट में चलेंगे, यहाँ मेरी एक नज़र पड़ी, यहाँ पे भी आप देख लीजिए बहुत अच्छी जगह है, एथनिक वेयर भी है, ट्रेडिशनल वेयर भी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ देख लीजिए गाइस, यहाँ भी एक आउटलेट है जहाँ पे लड़कियों का, मुझे ये नहीं पता कि लड़कियों के पास इतने सारे ऑप्शन होते क्यों हैं। लड़कों के पास घुमा फिरा के सिर्फ एक टी शर्ट और एक शर्ट, और लड़कियों के पास क्या क्या होता है वो आप जानते ही हैं, जीन्स, कुर्ती, लेगिंग, जंप सूट, स्कर्ट, डांगरी। और बची कुची हमारे पास एक पजामा था, वो भी प्लाजो बोल के उन्होंने ले लिया। तो गाइस क्या है ना, स्वाति काफ़ी देर से मेरे को फोर्स कर रही है कि जैसे आज फ्रेंडशिप डे है तो इसको कोई सॉन्ग डेडिकेट करूं, बोल रही थी कि मेरी आवाज़ में, तो ठीक है इसको एक सॉन्ग डेडिकेट कर देता हूं, ये लगी हुई है फ़ोन में। कोई अच्छा सॉन्ग डेडिकेट करूँ? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। स्वाति कल भी बोल रही थी कि इसको साउथ इंडियन खाना है, साउथ इंडियन खाना है, तो आज चलते हैं इसको लेके चलते हैं, कुछ खिला के लेके आते हैं और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। आपको भी दिखा के लेके आता हूँ, एक्चुअली वो मार्केट है सिर्फ लड़कियों की शॉपिंग की, बट वो हम शायद कल या परसों कवर करेंगे आगे। नहीं वहाँ बस वो सिर्फ ये झूठ बोल रही है, इस सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है चलो वो डिस्कवर करेंगे, कल बनाते हैं उस पर शूट करें, और आज फिर कुछ खा के थोड़ा थक गई हो, तुम भी थक गई हो, मैं भी थक गया हूँ, फिर चलते हैं। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, जाते हैं साउथ इंडियन कुछ खाने, फ्रेंडशिप डे मनाने, मिलते हैं आगे, वीडियो में दिखाता हूँ आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। स्वाति ने ही बताया अच्छी जगह है, कुछ खिला के लेके आ रही है अच्छा सा। बाहर आ चुके हैं, बाहर का मौसम बहुत गर्मी हो रही है, अंदर काफ़ी मतलब हर जगह एसी चल रहा था और गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही थी, आप देख पा रहे होंगे। और अभी तो मौसम सही हो रहा है, शायद हो सकता है थोड़ी देर में बारिश वारिश भी हो जाए। कल मौसम बहुत अच्छा था, आपने देखा ना जब ट्रैकिंग वगैरह करी थी मैंने और स्वाति ने, तो कल बहुत मज़े आए थे ना। कोई नहीं दोबारा चलते हैं जल्दी से जल्दी, स्वाति भी आ रही है गाइस, चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, सुबह से ऐसे ही शॉपिंग करवा रही है बंदी। अच्छा यही वाला ना राइट? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सही है यार, काफ़ी अच्छी रोड है यहाँ पे। एक्चुअली थोड़ा स्पीड लिमिट होगा बट यहाँ पे ड्राइव करने के बहुत मज़े आ रहे हैं। वहाँ एंटर कर चुके हैं एंटर पास में, यहाँ से रास्ते जा रहे हैं, जब मैंने आपको कल दिखाया शीतला माता मंदिर का भी यहीं से जाता है, अतुल कटारिया का भी। और तो गाइस रात हो गई है, एक घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ अभी और बस पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और अब देखते हैं एकदम। अरे वाह दिन निकल गया गाइस, पहुँचने वाले हैं, सुबह होगी दोबारा से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जहां आए हुए थे, बहुत थके हुए हैं, आप कुछ खा लेते हैं। इस साइड से अच्छा अच्छा हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो चलते हैं। किस साइड स्वाति? चलो यार चलो चलते हैं, ध्यान से स्वाति, ध्यान से गाड़ी स्वाति।
अच्छा यहाँ लेके आई हो साउथ इंडियन पे, कहाँ डाइनिंग कहाँ करनी है, बाहर करनी है या अंदर चलें? बाहर, अंदर काफ़ी कंजस्टेड होगा। नहीं यार अंदर पूछ लेते हैं इनपे कैसा है। चलो गाइस स्वाति लेके जा रही है, ट्राई करते हैं, बहुत दिन से जिद कर रही है फ्रेंडशिप डे के डोसा डोसा, देखते हैं कैसा है, चलते हैं आपको बाद में बताते हैं कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। बताओ स्वाति कौन सा ऑर्डर करना है, तुम ही कर दो मेरा भी। मेरे लिए अनियन मसाला डोसा और एक मिक्स वेज डोसा विद बटर दोनों, और मिक्स वेज वाला ना थोड़ा स्पाइसी कर देना। सांभर एक्चुअली आ चुका है, स्वाति टेस्ट करके बताएगी कैसा है। पहले इसकी स्माइल के बारे में बताना, इसकी स्माइल कैसे लग रही है आप सबको? सांभर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। डोसे की बारी है, वेट करते हैं डोसा कैसा लगता है। फाइनली डोसा आ चुका है, आप स्वाति के एक्सप्रेशन देख लो, खुश हो गई है फ्रेंडशिप डे का तोहफा। जरा एक बार टेस्ट करके बताओ, बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं भी शुरू करता हूँ उसके बाद। और सीरियसली गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा होगा तभी लोग खा रहे हैं। सीरियसली ठीक है, मैं भी शुरू करता हूँ। कोक आ चुकी है, स्वाति पी रही है। मैंने अभी स्वाति को बताया था कि कोक का ना थोड़ा टेस्ट चेंज हो चुका है, अगर आपने भी कभी फील किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोक का और किनले का शायद सेम ही प्रोडक्ट बनाती हैं, अब कोक का थोड़ा टेस्ट चेंज हो चुका है। मैं स्प्राइट ऑर्डर कर रहा था बट स्वाति ने बोला कोक तो कोक। बाय नादिया। रीड पूरी हो चुकी है फ्रेंडशिप डे की, अब अपनी स्माइल दिखा दो वाले, खुश होगी। चलो चलते हैं गाइस, एक बार बिल पे कर देता हूँ यहाँ से। पहुँच चुके हैं, अब इसको ड्रॉप कर देता हूँ स्वाति को, ये भी लेट हो रही है। और गाइस देख पा रहे होंगे अंधेरा हो चुका है, मैं भी निकलता हूँ एक्चुअली, मेरे भी कॉल्स आ रहे हैं। मिलते हैं स्वाति को, लेके आते हैं नेक्स्ट राउंड में। इसको बहुत अभी तो बहुत परेशान करना है गुड़गांव में जब तक हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, ठीक है। बाय बोल देता हूँ स्वाति को, ठीक है स्वाति बाय। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मन में ज़रूर बताना, और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना, इससे आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ उसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ एक्चुअली, मतलब फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा प्यार दे दो, प्लीज़ इससे थोड़ा जुड़ जाओ, और प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दो, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।